तो दोस्तों फाइनली जो है शकील भाई आ गए हैं, और इनको रात में हम लोग ले आए थे, तो कि जल्दी मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए थे। तो दोस्तों अभी रोटी देखो फूल चुकी है, अभी चलते हैं इसको वहाँ अंदर, अंदर जो है रखी है ट्रे, उसी में डाल देते हैं चल के इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना मेरी तरह। तो दोस्तों आज है 9 तारीख दिन जुमा, और अभी दोस्तों जो है शाम का 4:30 बज चुका है। तो आज जो है फाइनली शकील भाई आ रहे हैं, हो सकता है इतनी टाइम जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बम्बई में उनकी फ़्लाइट होगी, क्योंकि वेटिंग है 2 घंटे की बम्बई में, उसके बाद में जो है डायरेक्ट जिद्दा की फ़्लाइट है, तो इंडिगो फ़्लाइट है उनकी। तो आज फाइनली रात में 2 बजे शकील भाई आ जाएंगे, हो सकता है अगर जो है टाइम मिला हम लोगों को तो हम और राजा दोनों लोग जाएंगे उनको रिसीव करने, अगर टाइम मिला तो, कोई पक्का नहीं, क्लियर नहीं, हो सकता इसी वीडियो में आपको देखने को मिले। अगर जाएंगे लेने तो ज़रूर आपको दिखेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी चल रहे हैं गाड़ी की चाबी लेने ऊपर, और उसके बाद में सबसे पहले जाएंगे भाई जो मेरा काम रहता है मजरे का। तो अभी आज 9 तारीख हो गई, अभी तक कफील मेरा आया नहीं है, तो चलते हैं पहले मजरे का सारा काम निपटा के, उसके बाद में आएंगे खाना वगैरह देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो खाना भी बना के रख देंगे, वरना रात में 2 बजे आएंगे तो आदमी भूखा होता है सफ़र से आएगा, तो खाना मिल जाएगा उसको। तो फिलहाल चलो अभी गाड़ी की चाबी ले लेते हैं चल के ऊपर से। तो दोस्तों अभी चाबी भी ले लिया है, और ये कीस में जो है रोटी है और एक में है ये, तो ये लेके जाना है मुर्गियों को डालना है। तो ये रोटी जो है पानी में भिगा के दे देते हैं मुर्गियों को, तो वो खा लेती हैं, तो ये है अभी रखना इसको गाड़ी में। फिलहाल जो है गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, और कल रात में पता नहीं गाड़ी में क्या गिरा था, शादी में गए थे तो मैडम की बहन थी साथ में, उसका गाड़ी में कुछ गिर गया, तो बोल रही थी कि जो है उसको फरीद अगर मिल जाए तो रख लेना तुम, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, मालूम नहीं अभी, फिलहाल देखेंगे अगर मिल जाएगा तो उसको फ़ोन करके बता देंगे। तो अभी दोस्तों ये रास्ता है कुछ यहाँ पे ख़राब है थोड़ा सा रास्ता, इधर तो भाई बारिश होती है ना तो इधर पानी भर जाता है, ये देख रहे हो कितना ख़राब रास्ता है, पूरा इधर पानी भर जाता है, और आने में जो है ना गाड़ी इधर से नहीं ला सकते हो, इतना पानी भर जाता है। तो आज दोस्तों आपको दिखाएंगे कि जो है जो रोटी ये लेके जा रहे हैं इसको कैसे डालते हैं, तो अभी चलते हैं इसको पूरा बनाएंगे और फिर मुर्गियों का देंगे, और बाकी दाना तो देते ही हैं, मगर ये रोटी भी कफील मोरा बोलता है कि ये रोटी भी जो है दे दिया करो, तो जैसे कि पड़ी रहती है एक तसला टाइप का है प्लास्टिक का, अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे चल के। तो फटाफट चल रहे हैं, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, और कल रात में थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ रोड का थोड़ा सिस्टम सही नहीं है क्योंकि ये आउट एरिया है ना, तो इसीलिए, और कोई बात नहीं है। आ चुके हैं दोस्तों मजरा में, और आज यहाँ पर गाड़ियां लगी पड़ी हैं, क्या पार्टी चल रही है दूसरे के इस तरह में। ये दोस्तों देखो आ गई हैं, क्योंकि ये भूखी हैं, हो सकता है शायद पानी वगैरह ना बचा हो, अभी दिखा रहे हैं आपको, पानी नहीं बचता है 2 दिन बाद, आओ बिल्कुल सूखा पड़ जाता है ये देखो, अगर होगा तो अंदर वाले उसमें होगा पानी, बाकी ये भूखे हैं सब, दाना भी नहीं बचा होगा, चलो वो भी देख रहे हैं क्या सीन है दाने का। तो ये देखो इसके अंदर कबूतर वगैरह सब आ जाते हैं अंदर, ये देखो कितना कबूतर अंदर है, वो देखो कबूतर भी है और भी चिड़िया है, ये देख रहे हो कैसे चिल्ला रही पूरी मुर्गियाँ, ये देखो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हैं, बहुत भूखी हैं ये लोग। बाल्टी में पानी भर के और सारी रोटी जो है ना इसी में डालेंगे, तब तक के लिए ये जो है पूरा फूल जाएंगी,
तो जब ये फूल जाएंगे ना तो इसके बाद में अंदर तसला रखा है उसी में डाल देंगे। ये भूखी है दोस्तों, इसलिए जो है मेरे पास ही आए हैं अभी। अब इसमें डाल देंगे पानी बस। तो तब तक ये जो है भीग जाएगी रोटी ना, तो फिर आसानी से मुलायम हो जाएगी, फिर आराम से इसको अंदर जो है डाल देंगे करके। तो दोस्तों अभी रोटी देखो फूल चुकी है, अभी चलते हैं इसको वहां अंदर, अंदर जो है रखी है ट्रे उसी में डाल देते हैं चल के इसको। और भाई गर्मी से हाल बिल्कुल एकदम बुरा हो चुका है, गर्मी बहुत है भाई, पूरा एकदम पसीने में तर। तो यही एक सहान है, इसी में देंगे डाल अपना, ये जो है खाती रहेंगी ये। बस ये काम हो गया ख़त्म। उसमें खजूर भी थे भाई, खजूर भी थे। अब ये एकदम गीली है ना, बिल्कुल एकदम मलाई जैसा, ये अपना खाती रहेंगी। दाना भी डाल दिया हमने, सारा काम हो गया ख़त्म। और फ़ोन भी आ चुका है, तो अभी फटाफट पानी पेड़ में बचा है दे के बस सीधा निकलेंगे सामिर, क्योंकि जो है लाना है मैडम की बहन को। तो फटाफट काम इसका ख़त्म कर दें पेड़ का, फिर निकलें यहाँ से। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं सरफराज के पास, और सारा काम हो चुका था ख़त्म, और अभी आ चुके हैं इनके पास, क्योंकि यहाँ लेने आए थे मैडम को। तो अभी ये साथ में खाएंगे खाना इधर ही, उसके बाद जाएंगे मैडम को लेने के लिए। तो खाना भाई बना नहीं है अभी, पता नहीं क्या है, सीटी निकल रही है क्या कर रहे हैं, तब तक के खीरा खा के काम चला रहे हैं। खीरा खाओ, कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक पियो, खीरा खाओ, ऐसा ना हम खाते रहे मैडम का फोन आ जाए। अब आज शकील को भी लेने जाना है, देखें जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कुछ जा रहे देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों फाइनली जो है शकील भाई आ गए हैं, और इनको रात में हम लोग ले आए थे, तो कि जल्दी मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए थे। और आज जो है दोपहर का हो रहा है, करीबन कै बजा है यार, एक बज गया दोस्तों। तो अभी शकील भाई को खाना हमने कहा चलो खिला देते, इनके लिए स्पेशल मुर्गा बनाया था तो मुर्गा उधर गर्म हो रहा है। और भाई इनको एयरपोर्ट लेने गए थे, इनकी फ्लाइट हो गई थी दोस्तों लेट, इसीलिए जो है हम लोग के भी नींद लगी थी, तो इसलिए हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। शकील भाई, शकील भाई कै बजे आने की थी यहाँ? डेढ़ बजे की थी, एक घंटा लेट हुई थी। हाँ एक घंटा। उधर पीछे भाई वो देखो, वो घोड़े का, मेरे कपिल का घोड़ा, घोड़े का सब सामान पड़ा है पीछे। तो चलो भाई अभी खाना खा लेते हैं फिलहाल शकील भाई के साथ, आज जो है शकील भाई के साथ लंच कर लेते हैं। अब तो भाई आए हैं शकील भाई, थके हैं, तो ये जो है करे खाना खा के सो जाएंगे। तो दोस्तों हम भी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।